सजा के हत्यारे आफताब को दिल्ली पुलिस कुछ देर में साकेत कोर्ट में जज के सामने पेश करेगी। और जो जानकारी हमें मिली है कि एक हफ्ते की रिमांड दिल्ली पुलिस आज साकेत कोर्ट से आफताब की मांग सकती है। मेरे साथ इस वक्त मेरे दोनों संवाददाता अभय पराशर और कुमार सोनू जुड़े हुए हैं। आपको जानकारी दे दें कि श्रद्धा मर्डर केस में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। किस तरीके से आफताब ने श्रद्धा का मर्डर किया, कैसे उसकी बॉडी को टुकड़ों में काटा और उसकी बॉडी के टुकड़ों को कहां कहां पर ठिकाने लगाया। आफताब ने इस पूरे मर्डर को और उसके बाद जिस तरीके से बॉडी को ठिकाने लगाया वो पूरी तरह एक पेशेवर हत्यारे की तरह किया है। लेकिन इसके अलावा दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले में सबूत तलाशने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से आफताब पुलिस को गुमराह कर रहा है ऐसे में दिल्ली पुलिस को और ज्यादा इस मामले में मेहनत करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि मेहरौली जंगल में दिल्ली पुलिस ने कई दिन सर्च ऑपरेशन चलाया। अब तक पुलिस को वहां से 13 हड्डियां मिली है। वो 13 हड्डियों को डीएनए सैंपल के लिए मिलान के लिए भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन आफताब ने जिस तरीके से श्रद्धा के मर्डर को अंजाम दिया उसके बाद अब दिल्ली पुलिस लगातार आफताब के बयानों को रिकॉर्ड कर रही है और उसके आधार पर आगे की जांच को चला रही है। लेकिन अब इस मामले में डीएनए रिपोर्ट पर पूरा मामला डिपेंड है कि क्या जो 13 हड्डियां मिली है वो श्रद्धा की है या फिर किसी और की। आपको बताएं कि आफताब और श्रद्धा के लव लिविन और से लेकर मर्डर तक की ये पूरी कहानी पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली शहर देश की राजधानी, इस तेज रफ्तार शहर में करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं जो इसकी रफ्तार में बने रहने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। रोज सुबह उठकर काम पर जाना और शाम को वापस अपने घर लौट आना, सभी बड़े शहरों की तरह यहाँ भी लोगों की यही दिनचर्या है। जहाँ एक तरफ लोग अपनी इसी रूटीन लाइफ को फॉलो कर रहे थे, वहीं दिल्ली के एक कोने में एक ऐसी वारदात हो रही थी जिसने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये घटना थी 27 साल की श्रद्धा वॉकर की हत्या की, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि उसके 11 पार्टनर आफताब पूनावाला ने मौत के घाट उतार दिया और अपना राज छुपाने के लिए श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े तक कर दिए। फिर धीरे धीरे एक एक करके इन टुकड़ों को मेहरौली के जंगल में ठिकाने लगाता रहा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिन्होंने एक दूसरे को पाने की खातिर अपने घर वालों तक को छोड़ दिया, उनकी प्रेम कहानी का अंत ऐसा खौफनाक रहा। तो इसके लिए हम आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। इस कहानी की शुरुआत हुई साल 2018 में, जब श्रद्धा विकास वॉल्कर नौकरी की तलाश में पालघर से मुंबई आई, जहां कुछ दिनों के बाद मलाड के एक मल्टीनेशनल कॉल सेंटर में उसे नौकरी मिल गई। यहां एक डेटिंग ऐप के जरिए उसकी मुलाकात आफताब अमीन पूनावाला से हुई, जो बाद में श्रद्धा के साथ उसी की कंपनी में काम करने लगा। साथ में काम करते करते दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। प्यार भी ऐसा कि दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया। आफताब और श्रद्धा मुंबई से सटे वसई में रहने लगे। वसई में दोनों 3 अलग अलग फ्लैट में रहे। उस दौरान उन्होंने खुद को पति पत्नी बताया था। आफताब और श्रद्धा लिविंग रिलेशनशिप में रहने के दरमियान अलग अलग घर बदलते रहे और बहुत कम समय पर घर बदलते थे। जो जानकारी सामने आई है और जो आफताब का स्टेटमेंट लिया है मानिकपुर पुलिस ने, उसके मुताबिक 3 अलग अलग फ्लैट बदले थे, जिसमें से वसई इलाके की रिगल सोसाइटी भी थी और रिगल सोसाइटी में बी विंग में 302 नंबर का ये फ्लैट है। इसमें 22 महीने तक आफताब और श्रद्धा
रहते थे। हालांकि सोसाइटी के लोगों को उन्होंने ये बताया था कि वो पति पत्नी हैं और पति पत्नी के तौर पर यहाँ उन्होंने यहाँ पर ये फ्लैट किराए पर लिया है। लेकिन जब अब श्रद्धा की हत्या कर दी गई है और लोगों ने खुद श्रद्धा की हत्या की खबर चैनलों पर देखी, तब उन्हें ये पता चला कि दरअसल वो पति पत्नी नहीं थे, वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। रीगल सोसाइटी के सेक्रेटरी हमारे साथ में हैं दीपक जी। दीपक जी, कितने समय तक यहाँ पर रहे थे और जो उन्होंने रेंट एग्रीमेंट बनाया था, क्या पति पत्नी के तौर पर बनाया था उन्होंने या फिर लिविंग में रहते थे? पति पत्नी के सामने जो रेंट एग्रीमेंट बना था वो जब लड़का था उसके नाम से ही बना हुआ था। ओके, और उनका मम्मी पापा था, लड़की की मम्मी का फोटो है, पापा वो लड़के का पापा का फोटो है और उन दोनों का फोटो है और जो ओनर है उनका फोटो था। उन्होंने अपने आप को पति पत्नी बताया था सोसाइटी में? हाँ, तो पति पत्नी बताया था और दोनों ही जन रहते थे। तो लिविंग में रहते थे ऐसा पता होता तो आप लोग अलाउ नहीं? नहीं, पता नहीं था हम लोग को, लिविंग रिलेशन में रहते थे वो। वहीं जब ये बात श्रद्धा के परिवार वालों को पता चली तो उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन श्रद्धा आफताब के साथ रहने पर अड़ी रही। श्रद्धा के इस फैसले से उसकी मां को गहरा सदमा लगा। वो अक्सर बीमार रहने लगी और 2021 में उनकी मौत हो गई। मां की मौत के बाद श्रद्धा एक बार घर भी आई और अपने पिता को बताया कि आफताब उसके साथ मारपीट करता है। तब उसके पिता ने उसे वापस घर आने को कहा था। आफताब के मनाने पर वो उसके साथ चली गई। श्रद्धा की तरह आफताब के घर वाले भी उनके रिश्ते से खुश नहीं थे, इसीलिए आफताब और श्रद्धा ने तय किया कि वो दोनों अपने घर वालों से दूर जाकर अपना आशियाना बसाएंगे और इसके लिए उन्होंने दिल्ली को चुना। 8 मई 2022 को अपने परिवार से दूर बेहतर करियर ऑप्शन के लिए आफताब और श्रद्धा मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए, जहां उनका ठिकाना बना D93/1 छतरपुर। छतरपुर पहाड़ी की गली नंबर 1 का मकान नंबर D93 का फर्स्ट फ्लोर। इस वक्त हम यहां पर मौजूद हैं और इसी फर्स्ट फ्लोर में जो आप सामने फ्लैट देख रहे हैं, यहां पर आफताब और श्रद्धा लिव इन में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि मई के महीने में पहले ये मुंबई में रहते थे और मुंबई में जब इनके परिवार के लोगों ने इनको मना किया साथ में रहने के लिए, उसके बाद ये लोग यहां पर आकर रहने लगे। आफताब और श्रद्धा के बीच पहले भी झगड़े होते थे, लेकिन 18 मई को जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। 18 मई को भी आफताब और श्रद्धा के बीच झगड़ा हुआ। इस दौरान आफताब ने श्रद्धा का गला जोर से पकड़ लिया और तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। श्रद्धा की मौत हो चुकी थी, लेकिन आफताब के सामने अब चुनौती थी उसकी लाश को ठिकाने लगाने की। इसके लिए उसने इंटरनेट और फिल्मों का सहारा लिया और इन्हीं से सीखकर उसने पूरी प्लानिंग की। इस प्लानिंग के लिए सबसे जरूरी चीजें थी, पहला वो हथियार जिससे श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े किए जा सके और दूसरा वो फ्रिज जिसमें बॉडी को स्टोर किया जा सके। अगली सुबह आफताब शॉपिंग के लिए निकल गया, जहां से वो आरी और फ्रिज खरीद कर लाया। आफताब ने सबसे पहले श्रद्धा की हत्या की, गला दबाकर उसकी हत्या करी और उसके बाद जब उसे लगा कि आस पड़ोस के लोगों को शक हो जाएगा, बॉडी से बदबू आने लग जाएगी, तो उसने हॉलीवुड की एक जो वेब सीरीज है डेक्स्टर, उसे देखकर यह सीखा कि आखिरकार किस तरीके से बॉडी को ठिकाने लगाया जाता है। इसके लिए उसने सबसे पहले जो पास में ही एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, तिलक इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां पर वो पहुंचा और यहां पर पहुंचकर उसने एक डबल डोर फ्रिज ऑर्डर किया, फ्रिज खरीदा। और उसकी वजह यह थी कि श्रद्धा की बॉडी के जो वो टुकड़े करेगा 35 टुकड़े, उनको छिपाने के लिए, ताकि उनमें से बदबू ना आए, बॉडी सड़ ना जाए, इसलिए उसने फ्रिज खरीदा। जिस दुकान से फ्रिज खरीदा उस वहां के जो दुकानदार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बिल है वो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। आफताब उसका नाम है, उसने अपना मोबाइल नंबर यहां पर दिया हुआ है, अपना हाउस नंबर दिया हुआ है, D93 गली नंबर 1 छतरपुर पहाड़ी इलाका, ये उसने यहां पर अपना पूरा एड्रेस दिया है। उसने डबल डोर जो फ्रिज है वो उसने यहां से खरीदा और उससे क्रेडिट कार्ड से स्वैप कराया। GST लगाने के बाद करीब 25,300 रुपए का डबल डोर जो ये फ्रिज था वो उसने खरीदा। और ये 19 मई यानी कि 19 मई आज से करीब 6 महीने पहले का ये बिल है।
18 मई के आसपास बताया जा रहा है कि उसने श्रद्धा की हत्या की और 19 तारीख को उसने एक पास की दुकान से डबल डोर फ्रिज खरीदा और उसमें बॉडी के जो पार्ट्स है उन्हें रखा। हथियार आ चुका था, रेफ्रिजरेटर आ चुका था, जिसके बाद आफताब ने अपना असली खेल शुरू किया। होटल में शेफ की ट्रेनिंग ले चुका आफताब जुट गया श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े करने में। एक एक कर उसने बॉडी के 35 टुकड़े कर दिए और इन टुकड़ों को फ्रिज में स्टोर कर दिया। अब बारी थी इन टुकड़ों को ठिकाने लगाने की, जिसके लिए उसने मेहरोली के जंगल को चुना। वो रोज रात को 2 बजे घर से बॉडी का टुकड़ा लेकर निकलता और जंगल में उसे ठिकाने लगाता। 18 दिन तक यही सिलसिला जारी रहा। आफताब ने बॉडी के टुकड़ों को कभी एक जगह नहीं फेंका, हर बार अलग जगह फेंका। उसे उम्मीद थी कि जंगल के जानवर उन टुकड़ों को खाकर सारे सबूत मिटा देंगे और उसके राज से कभी पर्दा नहीं उठेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सामने छतरपुर की पहाड़ी एरिया है जहां वो रहता था, और जैसे ही आप रोड क्रॉस करेंगे, रोड क्रॉस करते ही मेरे पीछे ये छतरपुर का जंगल है। अंदर ले जाकर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से। बताया जा रहा है कि रात को 2 बजे के आसपास जो है वो अपने घर से निकलता था, प्लास्टिक की थैलियों में वो जो उसने 35 टुकड़े किए थे श्रद्धा की बॉडी के, उन 35 टुकड़ों में से कुछ टुकड़ों को उन प्लास्टिक की थैलियों में रखकर रात को 2 बजे निकलता था ताकि किसी को पता ना लगे। और सीधा वो ये जंगल का रास्ता जो है, क्योंकि उसकी कॉलोनी के पास ये जंगल का रास्ता पड़ता है, और अभी दिन में ही ये एरिया इतना सुनसान है तो रात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर कोई भी मौजूद नहीं रहता होगा। इसी का फायदा उठाया आफताब ने और फायदा उठाकर वो सीधा इस जंगल में पहुंचता था। 1-2 दिन नहीं बल्कि बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए 18 दिन वो लगातार अपने घर से इन जंगलों में आता रहा। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे, सड़क यानी कि जिस मेन रोड से, छतरपुर की मेन रोड से हमने इस जंगल में एंट्री की है, ये और डीप होता जा रहा है और ज्यादा सुनसान होता जा रहा है। दूर दूर तक कोई यहां पर भी मौजूद नहीं है। और इसी तरीके से वो रात को यहां पर आता था जंगल में, और जंगल में आने के बाद सीधा अंदर की तरफ जाकर उसने 18 दिनों तक इन बॉडीज को ठिकाने लगाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।